यूपीपीसीएस की तैयारी के लिए ऑनलाइन बैच आज से स्टार्ट हो रहा है। हालांकि मैंने 4 दिन पहले 5 दिन पहले कहा जरूर था, लेकिन मैं अपनी फैकल्टी को एक साथ नहीं ला पाया। अब मेरी पूरी फैकल्टी मेरे साथ है। आने वाले 3-4 दिनों में आप मेरी सभी फैकल्टीज को बारी बारी अपने डेमो क्लासेस देते हुए देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, फैकल्टी तो मेरी अगले 3-4 दिनों में आएगी और बैच शुरू हो जाएगा 24 जनवरी से। लेकिन एक चीज क्लियर कर देनी यहाँ पे जरूरी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वरना बाद में मैसेज करके आप वही बातें पूछते हैं जो हम यहाँ बता चुके हैं। आप 2 मिनट ध्यान से सुनेंगे, आपके मतलब की हर चीज यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे यूपीपीसीएस प्रीलिम बैच अलग है, प्री कम मेंस बैच अलग है। हमने पहले सोचा था कि केवल प्री कम मेंस बैच चलाते हैं, लेकिन बहुत सारे मैसेज आए और छात्रों ने कहा कि सर हमें पहले प्री का कोर्स करना है, इसलिए हमने प्री बैच अलग कर दिया, मेंस प्री कम मेंस का बैच अलग कर दिया। इन दोनों कोर्सेज में आपको दिया क्या जाएगा, 2 मिनट और समय दीजिए, हम बताते हैं। इसमें आपको जीएस का प्रथम प्रश्न पत्र और सी सेट का प्रश्न पत्र कवर किया जाएगा, और प्री कम मेंस में न केवल प्रीलिम बल्कि मुख्य परीक्षा का जीएस प्लस सामान्य हिंदी भी कवर किया जाएगा। अगर आप प्री कम मेंस बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको जीएस के चारों प्रश्न पत्र प्लस सामान्य हिंदी, क्योंकि मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी के अंक जोड़े जाते हैं, आईएएस की परीक्षा में तो नहीं जोड़े जाते हैं। हाँ, प्री कम मेंस है इसलिए प्रीलिम का पूरा पोर्शन यहाँ पे कवर कराया जाएगा। दोनों पर पहले एंट्री का प्रोसेस बता दें, फिर मैं आपको इन दोनों बैचेस की विशेषताएं थोड़ी सी एलोबरेट करूंगा, जिन्हें आपको सुनना चाहिए अगर आप एडमिशन लेने के इच्छुक हैं। आप यहीं पर सुन लीजिए वरना आप कंफ्यूज रहेंगे। प्रीलिम बैच में अगर एडमिशन लेना है तो हमें व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पर 9170509670। अगर आपको प्री कम मेंस बैच में एडमिशन लेना है तो 9918000454। ये प्री कम मेंस बैच के लिए, आप सावधानी रखिएगा, आप इस नंबर पर प्रीलिम बैच के लिए मत भेजिएगा। अगर आप प्रीलिम कोर्स करना चाहते हैं तो कृपया करके इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। अब आइए हम विशेषताओं के एलाबोरेट करते हैं कि हम आपको दे क्या रहे हैं। ध्यान से सुनिए, आपको जो भी वीडियो क्लासेस, चाहे प्रीलिम हो या प्री कम मेंस हो, जिसमें भी आप एडमिशन लें, सभी वीडियो क्लासेस और पीडीएफ नोट्स हम अपने वेबसाइट पर देंगे। एडमिशन का प्रोसेस, जब इस नंबर पर आप हमें रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हम आपको एडमिशन का प्रोसेस बताएंगे। एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद हम आपको अपने वेबसाइट की लॉगिन आईडी और पासवर्ड देंगे। जब आप एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे तो हम आपको अपने वेबसाइट की लॉगिन आईडी और पासवर्ड देंगे, ताकि आपका आपके वीडियोस और आपके पीडीएफ आपके पास सिक्योर रहे, उसे कोई अनावश्यक रूप से शेयर न कर सके या आपके अधिकारों का वहां पर उल्लंघन न हो। दूसरा, प्रीलिम कोर्स 31 मई तक पूरा किया जाएगा, क्योंकि प्रीलिम जो परीक्षा है यूपीपीसीएस की वो संभवतः 21 जून को है, तो 31 मई तक हम इसे कंप्लीट करेंगे। और 31 मई के बाद क्या करेंगे, आपको हम जीएस के 6 प्रश्न पत्र अवेलेबल कराएंगे। जीएस यानी सामान्य अध्ययन जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उसकी 6 टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराएंगे। ये 6 टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स तो हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन 6 टेस्ट सीरीज में लगभग 90% क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आपके यहीं से फंस जाएंगे। हम इस चीज में एक संस्था के रूप में माहिर है, करंट अफेयर्स तो शायद ही आपका गलत हो। और जीएस के भी कई प्रश्न आपके प्रत्यक्ष इन 6 प्रश्न पत्रों से मिल जाएंगे, आप ट्राई करके देखिएगा, हल करके देखिएगा इन्हें। प्री कम मेंस बैच में प्रीलिम और मेंस एग्जाम के अध्यापक अलग अलग रहेंगे। हमारा जो प्री कम मेंस बैच होगा, अच्छा आमतौर पर जो प्री कम मेंस बैच कहीं भी चलाया जाता है तो एक ही अध्यापक प्रीलिम भी पढ़ा देता है, मेंस भी पढ़ा देता है। इससे विभाजन करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा हिस्सा प्रीलिम के लिए है और कौन सा हिस्सा मेंस के लिए है, जबकि आप सभी जानते हैं कि प्रीलिम एग्जाम बिल्कुल अलग है। यूपीपीसीएस में तो प्रीलिम एग्जाम बिल्कुल तथ्यात्मक होता है, उसका अवधारणा विश्लेषण कॉन्सेप्ट से दूर दूर तक शायद ही कोई संबंध होगा। आपने 2019 का प्रश्न पत्र आपने देखा होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कतई इस बुलावे मत रहिएगा कि प्रीलिम और मेंस का अध्यापक एक ही हो सकता है। निश्चित रूप से इन दोनों अध्यापकों को अलग होना पड़ेगा। आईएएस की परीक्षा में प्री कम मेंस साथ साथ चल जाता है, लेकिन यूपीपीसीएस में प्रीलिम इतना अलग हो जाता है, इतना अलग हो जाता है कि एक ही अध्यापक दोनों कवर करेंगे तो बेमानी होगी। इसलिए हमने मेंस और प्रीलिम की फैकल्टी अलग अलग रखा है। प्रीलिम तथ्यात्मक है, वही मुख्य परीक्षा पूरी तरह से अवधारणात्मक है, कॉन्सेप्चुअल है। मुख्य परीक्षा क्यों ली जाती है,
ये आपके ज्ञान के परीक्षण के लिए नहीं ली जाती है। नो डाउट ज्ञान का परीक्षण किया जाता है मुख्य परीक्षा में, लेकिन मुख्य परीक्षा के माध्यम से जो कि लिखित होता है, एक तो सिलेबस बहुत विकराल है, विस्तार है, और साथ में ये लिखित होता है, टिक नहीं मारना है। तो इसमें आपके ज्ञान के साथ साथ आपके आचरण की मजबूती और एक अच्छे प्रशासक के रूप में आपकी भूमिका कितनी मजबूत होगी, इसकी भी जांच की जाती है। क्योंकि उनके जो चारों प्रश्न पत्र होते हैं एथिक्स के समेत, एथिक्स चौथा प्रश्न पत्र है, उसके माध्यम से आपके व्यक्तित्व की मजबूती और अच्छे प्रशासक के गुणों को भी भापा जाता है। तो निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी अलग और मुख्य परीक्षा की अलग। जब मुख्य परीक्षा के माध्यम से एक अच्छे प्रशासक के गुण जांचे जाते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए फैकल्टी भी अलग होनी चाहिए, पूरी तरह से अलग होनी चाहिए, ताकि वो आपके अंदर उन गुणों को विकसित कर सके। एथिक्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आंतरिक सुरक्षा, भूगोल, हमारे देश का इतिहास, है ना, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंडियन इकोनॉमी, आपदा का प्रबंधन, सामाजिक मुद्दे, इन सभी विषयों में आपको ऐसे अध्यापकों की जरूरत होगी जिनकी सिलेबस पर गहराई तक पकड़ हो। छिछले अध्यापक या सतही अध्यापक इन सब चीजों को आपको कवर नहीं करा पाएंगे। हमने मुख्य परीक्षा के लिए दिल्ली से फैकल्टी बुलाई है। आपसे 3 से 4 दिनों के भीतर सभी के सभी लोग, आज शाम से शुरुआत होगी और अगले 3 दिनों के भीतर सारी फैकल्टी हमारी आपके सामने होगी। आप उनके गुणों को भापिएगा, चेक करिएगा। बहुत से अध्यापकों के नाम के बारे में आप दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी पता करिएगा। आपको वहां के लड़के बताएंगे कि उनके पास अनुभव की कितनी गहराई है और कितने संयम, मजबूती और अनुशासन के साथ वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्हीं को मैंने यहां पर बुलाया है, तो इसलिए मैंने प्रीलिम और मेंस की फैकल्टी पूरी तरह से अलग कर दी है। नेक्स्ट, वेबसाइट पर प्रीलिम और मेंस एग्जाम के पीडीएफ नोट्स अलग दिए जाते हैं। आमतौर पर प्रीलिम और मेंस जो बैच चलता है, आमतौर पर सामान्य रूप में उसमें प्रीलिम और मेंस एक ही साथ भेजा जाता है नोट्स, जिससे किसी भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है कि इसमें मेंस के लिए कहां से पूछा जाएगा। वो जल्दीबाजी का परिणाम होता है, एक ही साथ सारा भेज दो। नहीं, यूपीपीसीएस का प्रीलिम पूरी तरह से अलग है, इसलिए आप प्रीलिम में फेल होने की गुंजाइश न बचे। इसलिए हमारा जो पीडीएफ नोट्स जाएगा प्रीलिम का, वो पूरी तरह से प्रीलिम पर फोकस होगा, अलग होगा, और मेंस का पीडीएफ नोट्स पूरी तरह से अलग होगा, पूरी तरह से अलग होगा। मेंस एग्जाम का पूरा सिलेबस, यानी मेंस एग्जाम का पूरा सिलेबस क्या है, जीएस के चारों प्रश्न पत्र और सामान्य हिंदी, ये हम 15 सितंबर तक समाप्त कर लें, क्योंकि अक्टूबर में क्या है, मुख्य परीक्षा है। 15 अक्टूबर को मुख्य परीक्षा है, तो एक महीने पहले हम इसका सिलेबस पूरा कर लेंगे और 15 सितंबर के बाद हम आपको कुछ प्रश्न उत्तर पर अभ्यास कराएंगे, लगभग 10 से 12 दिन। सभी विषयों की फैकल्टी लगभग 10 दिन तक अपने अपने विषयों में आपको प्रश्न उत्तर अभ्यास कराएगी। हमारा पूरा प्रयास है कि यूपीपीसीएस में हमारे यहां से चयन हो जाए। अगर आप यूपीपीसीएस को लेकर गंभीर हैं तो प्रीलिम के लिए इस नंबर पर हमें एंट्री पीसीएस लिखिए, और अगर आप प्री कम मेंस दोनों परीक्षाओं की तैयारी एक साथ चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें एंट्री पीसीएस लिखकर भेजिए। इंतजार करिए, थोड़ी देर में हमारी फैकल्टी बारी बारी से आपके सामने रूबरू होगी और आप उन्हें देखकर परीक्षण करिए और निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। मैं लगातार इस बीच मिलता रहूंगा आपसे और फैकल्टी के बारे में बात करता रहूंगा। पूरी फैकल्टी मेरे नियंत्रण निर्देशन में रहेगी। उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि 15 सितंबर तक आपकी तैयारी हम करके दिखाएंगे, यानी ये बैच कुल 8 महीने का है। नमस्कार।